एक बार जरा सोच के देखिए कि आपके एटीएम का इस्तेमाल कहीं किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ऐसे में ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, लेकिन जिस कंपनी का आप सिम रखे हैं वो कंपनी खुद ही किसी और से पैसा लेकर के आपके ओटीपी को आपके मोबाइल पे ना भेज करके किसी और के मोबाइल पे अगर भेज दे, तो ऐसे में कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो ये चीज कैसे होता है और नया खुलासा कैसे हुआ, इस चीज को समझेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है ना, लोग जो है डिजिटल हो रहे हैं, लोग डिजिटली तरीके से फ्रॉड करने का तरीका भी अलग अलग ढंग से खोज रहे हैं। और अभी जो खुलासा हुआ ये तो और भी चौंकाने वाली बात है कि इसमें कंपनियां खुद ही एक मौका देती है जिससे कि आपका ओटीपी चोरी हो जाए। लेकिन ये होता कैसे है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, इस प्रोसेस का नाम है एसएमएस रिडायरेक्ट। अब आप कहेंगे ये एसएमएस रिडायरेक्ट में होता क्या है, रिडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं रिडायरेक्ट का मतलब होता है कि जहां से आ रहा था वहां से घुमा करके कहीं और ले जाना। और एसएमएस रिडायरेक्ट का मतलब है कि आपके इंपॉर्टेंट एसएमएस भी जो है दूसरे जगह पहुंच जाएगा, जैसे ओटीपी हो गया। और ओटीपी आज के डेट में हर जगह जो है एक ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है जरूरी चीज बन चुका है। आप डिजिटल तरीके से अगर आधार की बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसमें भी ओटीपी है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं या अगर आप अपने डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से कहीं भी शॉपिंग करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ओटीपी एक सिक्योरिटी लेयर के रूप में आता है। और इससे हम लोग समझते हैं कि यार मेरा अगर ओटीपी सेफ है, मतलब कि हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा भी सेफ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनियां खुद ही ये 1200 से लेकर के 1300 रुपया लेकर के एक सर्विसेज जो है एसएमएस रिडायरेक्ट का जो है इनेबल कर देती है। और इसमें ये पाया गया है खुलासा में कि जो यूजर होते हैं, जिसका मोबाइल होता है, उससे परमिशन भी नहीं लिया जाता है और उसके परमिशन के बगैर इस सर्विसेज को सेल किया जाता है थर्ड पार्टी के पास। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? देखिए, इस सर्विस का इस्तेमाल थर्ड पार्टी मतलब कि एक बिजनेस पर्पज से कंपनी के लिए किया जाता है, लेकिन आज के डेट में आप रियली में आप फील करते होंगे कि आपके पास पहले फ्रॉड वाले जो मैसेज होते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ठगने के लिए ऑफर देते थे, वो आता था पार्टिकुलर किसी नंबर से। लेकिन आज के डेट में आपके पास जो ये फ्रॉड वाले मैसेज जो है ना, वो आते होंगे बल्क एसएमएस वाला, जो ऊपर में नंबर नहीं बल्कि एक नाम होगा। और ये कैसे मिलता है? ये बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है कि आप कमर्शियल पर्पस से बल्क एसएमएस खरीदते हैं और इसके बाद अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने कस्टमर को मैसेज भेजते हैं। लेकिन जैसे लोग इसका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए करना शुरू कर दिया, ऐसे ही एसएमएस रिडायरेक्ट का इस्तेमाल जो हैकर लोग जो है फ्रॉड करने के लिए शुरू कर चुका है। तो वैसे ये जब मामला खुलासा हुआ तो सभी कंपनियां भली अलर्ट हो गया है, लेकिन आपको भी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, इससे पहले एसएमएस रिडायरेक्ट के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को जानकारी बढ़े और खुद को अपने आप को सेफ रख सके।